could be us. So back to what I was saying. Could be us. तो भाई मेरे कैसे हो तुम लोग। आज मैं तुझे बताने वाला हूँ कि इंडिया की कैसी लग रही है। तुम जानते हो इंडिया डिजिटाइजेशन के मूड पे चल रहा है, तो इंडिया में अभी क्या जरूरी है। इंडिया में अभी सिक्योरिटी लेवल बहुत हाई होनी चाहिए ऑनलाइन में, तुम जानते हो, क्योंकि फ्राइडे को एक ऐसा अटैक आया था, एक मेलवेयर आया था, हैकर्स लोग मेलवेयर फेंके थे, नाम था WannaCry, रैंसमवेयर था, इसके ये क्या करता है, ये तुम जब ऑनलाइन काम कर रहे हो अगर ये वाला तुम्हारे कंप्यूटर में आ गया तो ये तुम्हारा फाइल को लॉक कर देगा और तुमको पेमेंट देना होगा हैकर्स को, तब तुम्हारे फाइल्स ओपन हो गए। तो 57,000 कंप्यूटर्स अटैक हुए थे, तो 99 कंट्रीज अटैक हुए थे हैकर्स से, और ये रैंसमवेयर के थ्रू अटैक किए गए थे। तो इसको कौन फाइंड किया, इसको कैस्पर्स्काई और एवास्ट फाइंड किया कि इतना सारा 57,000 कंप्यूटर अटैक हुए, क्योंकि वो उन सब कंप्यूटर में थे। और मैं तुझे ये भी बता दूँगा, 70% ऑफ द रशियन कंप्यूटर्स वर अटैक, और ये रशिया फर्स्ट नंबर पर गिरता है और इंडिया तुम्हारा थर्ड। तुम जानते हो क्यों, क्योंकि ये एक डेवलपिंग कंट्री है, बहुत फास्ट से डेवलप कर रहा है हम लोग का इंडिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग अपना साइबर सिक्योरिटी बहुत हाई करें। तो भाई मेरे, तुमको मैं बोल देता हूँ कि हो सके ना तो अपना साइबर सिक्योरिटी हाई कर लो, कुछ भी करो लेकिन हाई कर लो, क्योंकि इंडिया अभी सेफ मोड पे नहीं है। मैं तुझे ये भी बोल देता हूँ, हैकर्स लोग 300 से $600 के बिटकॉइन मांगे थे अपना ये पूरा करने के लिए, तभी वो खोलते, तो उनको पेमेंट करना पड़ा, बहुत जन तो पेमेंट कर भी दिए थे। तो अब मैं बोलने वाला हूँ इंडिया के ऊपर स्पेशली, सुन लो। तो इंडिया में भी तुमको अटैक हुआ था, आंध्र प्रदेश के एक पुलिस स्टेशन में अटैक हुआ था, ये रैंसमवेयर, ये WannaCry रैंसमवेयर के थ्रू। तो ये बहुत छोटा सा था क्योंकि ऑफलाइन भी रिकॉर्ड था, इसलिए इतना इफेक्ट नहीं किया, लेकिन तुम सोच सकते हो कितना बड़ा रिस्क है। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम लोगों को कि अपने सिक्योरिटी सिस्टम हाई कर लो, एंटीवायरस डालो, कुछ भी डालो, लेकिन लेटेस्ट ही रखो यार, नहीं तो तुम्हारा अगर हैक हो गया ना तो उसके बाद तुम कुछ नहीं, तुम्हें पेमेंट करना होगा। और तुम जानते हो बिटकॉइन अभी कितना दामी है, अभी बिटकॉइन का कितना वैल्यू हाई होए जा रहा है। तो थैंक यू यार, अगर तुमको अच्छा लगाना वीडियो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और ये हो सके ना तुम मतलब जितना हो सके तू फैला दे इस वीडियो को, हो सके तो कॉपीराइट में नहीं मारूंगा या कुछ नहीं, तू हो सके ना इसको शेयर कर यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज सबको मिलनी चाहिए, ये न्यूज प्लीज। थैंक यू, सायोनारा, बाय टुनाइट।